झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एग्जाम्स की तैयारी के लिए झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज आप सबके लिए रोजाना एक सेट लेकर आ रहे हैं प्रभात एग्जाम की तरफ से। इस सीरीज में हम रोजाना 25 क्वेश्चंस के द्वारा झारखंड के विषय में जानेंगे। ये क्वेश्चंस डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा लिखी गई पुस्तक झारखंड वस्तुनिष्ठ से लिए गए हैं। इस सीरीज में हम रोजाना 25 क्वेश्चंस के द्वारा झारखंड के विषय में जानेंगे और अधिक प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप इस पुस्तक को Amazon या Flipkart से भी मंगवा सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्यमंत्री। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और पांडेय गणपत राय को अप्रैल 1858 वर्ष में झारखंड के किस स्थान पर फांसी दी गई? ए जिला स्कूल के द्वार, बी मोहराबादी चौक, सी टैगोर हिल्स, डी प्रभात तारा मैदान। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, 32 इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय झारखंड में किस स्थान पर था? ए कसमार, बी नवाटोली, सी रोहिणी, डी कर्माडीह। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, रोहिणी ग्राम स्थित देशी स्थल सेना की 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट किसकी कमांड में थी? ए मैकडॉनल्ड, बी मेजर बारो, सी ली ग्रांट, डी टेलर। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, हजारीबाग में विद्रोहियों का नेता कौन था? ए योगेंद्र शाही, बी प्रताप शाही, सी अजय शाही, डी सुरेंद्र शाही। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, एक ताम्र पत्र पर झारखंड शब्द का उल्लेख मिला है, ये ताम्र पत्र किस शताब्दी का है? ए 11वीं, बी 12वीं, सी 13वीं, डी 14वीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1857 के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम किस स्थान के सैनिकों ने 12 जून 1857 को विद्रोह किया? ए रोहिणी, बी दमाडीही, सी नवाडीही, डी कसमार। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज किन्हें कहा जाता है? ए राम नरेश तिवारी, बी सुरेंद्र शाही, सी प्रताप राय, डी मुकुंद नायक। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड पार्टी ने प्रथम बार चुनाव में भाग कब लिया था? ए वर्ष 1952, बी वर्ष 1957, सी वर्ष 1960, डी वर्ष 1963। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड के किस स्थल को सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहा जाता है? ए पारसनाथ, बी सरुवत पहाड़ी, सी नेतरहाट, डी जौनहार फॉल। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1952 में बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कितनी सीट प्राप्त हुई? ए 30, बी 31, सी 32, डी 33। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, किस आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उन्हें आह्वान करते थे? ए चेरो, बी भूमिज, सी टाना भगत, डी स्वदेशी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13,
CNT एक्ट में काश्तकारों के वर्ग के बारे में किस अध्याय में बताया गया है? ए अध्याय 2, बी अध्याय 3, सी अध्याय 4, डी अध्याय 5। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए राज्यपाल, बी मुख्य सचिव, सी कैबिनेट सचिव, डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, रांची जिले में टाना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ? ए 1946, बी 1947, सी 1948, डी 1949। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, मुख्यमंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए राज्यपाल, बी विधानसभा, सी मुख्य सचिव, डी कैबिनेट सचिव। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड पार्टी द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग से कितने जिलों के झारखंड की मांग की गई थी? ए 12, बी 14, सी 16, डी 18। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, किस जिले का पुराना नाम पलाउन है? ए गुमला, बी गढ़वा, सी प्लामू, डी चतरा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, सरायकेला स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? ए विक्रम सिंह, बी अर्जुन सिंह, सी दलेल सिंह, डी चेतन सिंह। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, किस मंदिर का पुराना नाम बैजनाथ मठ है? ए पहाड़ी धाम, बी जगन्नाथ धाम, सी वैद्यनाथ धाम, डी मलूटी धाम। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, जयपाल सिंह के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का कांग्रेस में किस वर्ष विलय हुआ था? ए 1961, बी 1962, सी 1963, डी 1964। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय बिहार के किस तत्कालीन मुख्यमंत्री की पहल पर हुआ था? ए श्री कृष्ण सिंह, बी विनोदानंद झा, सी दरोगा पासवान, डी जगन्नाथ मिश्रा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड में कितने लाख हेक्टेयर भूमि में नकदी फसलें उगाई जाती हैं? ए 1 लाख, बी 2 लाख, सी 3 लाख, डी 4 लाख। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? ए 70, बी 72, सी 74, डी 76। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? ए विद्या पठार, बी कैमूर पठार, सी प्रायद्वीपीय पठार, डी दक्कन पठार। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आपकी JPSC परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है IAS डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा
100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकते हैं 15 मॉडल्स ऑल पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आज ही ऑर्डर करें Amazon, Flipkart या नजदीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। इसी के साथ आज समाप्त होती है ये सीरीज। ऐसे और सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि ऐसे नए सेट आप तक जल्द पहुंचे। धन्यवाद।